नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं दाल वाफले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये हमने एक कटोरी तुअर दाल ली है, और ये मूंग की दाल है छिलके वाली है, और ये उड़द की दाल है, और ये मसूर की दाल है। उड़द की दाल भी हमने छिलके वाली ली है, आप चाहे तो धुली वाली ले सकते हैं। ये हल्दी पाउडर, ये थोड़ी सी दालचीनी, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये देखिए, पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे दाल। तुअर दाल डाल रहे हैं, मूँग की दाल, मसूर की और ये उड़द की। आप चाहें तो थोड़ी सी चने की दाल भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी रहती है, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। तो इन सबको मिक्स कर लेंगे और इन्हें धो लेंगे। तो हम इसमें पानी डाल करके इसको धुल लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो थोड़ा सा फुला करके रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं फुलाऊँगी, ऐसे ही धो करके और डायरेक्ट कुकर में डाल दूँगी। ये देखिए, हम कुकर ले लिए हैं और हमने इसको दो पानी से धुला है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। दो भगोनी पानी डाल रहे हैं, एक भगोनी हमने पहले डाल दिया था और एक अब डाल रहे हैं, ताकि गाढ़ी नहीं हो दाल अच्छी पतली बने। ज़्यादा पतली भी नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। तो ये देखिए, अभी हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार, और ये हल्दी पाउडर। आप अपने हिसाब से जितनी डाल लें उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब हम कुकर में ढक्कन लगा देंगे। देखिए, कुकर को हमने रख दिया है गैस पे, और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे कुकर को। इसके बाद हम खोल करके चेक करेंगे कि हमारी दाल अच्छे से पकी है कि नहीं पकी है। गैस पे पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है, और गैस को हम चला देंगे तेज फ्लेम में, और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। हमने सरसों का तेल का यूज किया है, आप चाहें तो जो तेल आप खाते हैं उसका कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे मिर्ची, थोड़ा सा चला लें इसे, जीरा, और जो ये हमने दालचीनी ली है ये डाल देंगे इसमें, प्याज, दो प्याज हमने काटी है बारीक, टमाटर नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप टमाटर ऐड कर सकते हैं इसमें, और हम डाल देंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला, और इसे भी मिला रही हैं इस तरीके से। गैस को मंदी कर देंगे, नहीं तो ये जो हमारा मसाला है वो जल जाएगा। और दो खड़ी हमने साबुत लाल मिर्ची ली है, ये भी डाल देंगे इसी में। आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप लाल मिर्ची या हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं इसमें, हमने कमी डाली है। अब हम डाल देंगे इसमें दाल। तो हमने दाल को निकाल लिया था, पक गई थी, तो उसको डाल देंगे पूरी इसी में। ये देखिए, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो हमने आधी गिलास पानी और ऐड किया था। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, जितनी दाल बनाएं उसके हिसाब से। ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, क्योंकि पहले ही पकी हुई थी, और अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती, ऐसे मिला लेंगे, और हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन पे पलट लेंगे। तो चलिए, अब हम वाफले के लिए आटा लगा लेते हैं। तो ये आटा को हमने इतना छान करके रख लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरीके से हाथों से क्रश कर लेंगे, ये देखिए, और इनको मिला लेंगे इस तरीके से। अब डालेंगे घी मोवन के लिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे दोनों हाथों से इस तरीके से कर लिया है पूरा, तो इसमें पूरा जो मोवन था वो अच्छी तरीके से मिल गया है। ये देखिए, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा बाइंड करके देखेंगे कि हमारा मोवन कितना परफेक्ट है। तो ये देखिए, बंध रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा मोवन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका एक डो लगा करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा डो लग करके पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए। तो इसमें थोड़ा सा हम घी लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे। तो ये देखिए, आटा हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है। आटा को ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है, उतना ही लगाना है जितना अपन रोटियां बनाते हैं, तो उसी तरीके से उतना ही कड़क लगाना है। ये देखिए, अब हम इसमें
थोड़ी थोड़ी सी लोइयां तोड़ेंगे इस तरीके से और ऐसे दबाते हुए इसके गोले बनाएंगे और ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे। एक बाटी हमारी बनकर के तैयार हो गई है और इसी तरीके से सारे बाफले हम बना लेंगे। जितना हमारा आटा था उसमें से ये देखिए हमारे इतने बाफले बनकर के तैयार हो गए हैं। इस तरीके से हमने बनाया है ये देखिए। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने ये भगोनी रखी है और इसमें पानी डाल दिया है दो लोटा और आप अपने हिसाब से जो बर्तन लेना चाहे वो ले सकते हैं। और गैस को हम जला देंगे तेज फ्लेम में और पानी को अच्छा गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए पानी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। हमको इतना ही गर्म पानी चाहिए और गैस को हमने मंदी कर दी है। और जब भी आप बाफले इसमें डालें ना तो गैस को मंदी कर देना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से हम इस पर डाल देंगे और हम गैस को तेज कर देंगे ताकि अच्छे से उबाल आ जाए और ये बाफले नीचे बैठे नहीं। ये देखिए जब थोड़ी देर हो जाए तो इस तरीके से हम इसको चला लेंगे। तुरंत नहीं चलाना है। तो ये देखिए कैसे ऊपर आ गए हैं हमारे बाफले। तो इसका मतलब ये पक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये ओवन को हमने गैस पे रख दिया है और गैस को जला देंगे तेज फ्लेम में। ये देखिए अब हम इनमें एक एक अपने बाफले रखेंगे इस तरीके से। ठंडे हो जाए इसके बाद ही रखना है, नहीं गर्म में रखेंगे तो चिपक जाएंगे। तो ये हमारे बाफले ठंडे हो गए थे तो अब हम इसमें रख दिए हैं। अब हम इसे ढक देंगे इस तरीके से और इसे पकने देंगे। अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे। ये देखिए हमारे बाफले अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इनको मैंने दो तीन बार पलटा है और धीमी गैस पे ही पकाया है। धीमी गैस पे पकाएंगे तभी अच्छे से पक पाएंगे वो। ये देखिए चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी दाल बाफले की रेसिपी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।